हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ ज्योग्राफी का, और ये क्लास 7 का है लेसन प्लान। टॉपिक आज हमारा है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और इसमें जो पार्ट है दैट इज़ सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लेसन प्लान। सबसे पहले जो है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, उसके बाद क्लास पीरियड, ड्यूरेशन। जैसा कि पता है टॉपिक आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताने के बाद ही बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करना होता है। उसके बाद जो जर्नल एम्स हैं हमारे वो ये होंगे, और जो हमारे थ्री डोमेन्स के बेस पर जो स्पेसिफिक एम होते हैं जो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड, क्या मटेरियल एड हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही हम अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन देख लीजिए, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई वी यूज रिसोर्सेज, हाउ पीपल यूज टू लिव इन द बिगिनिंग, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट। लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो आंसर है वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद ये बताने के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछने के बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे, दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद आप ये बताते हुए ब्लैक बोर्ड पर अपना जो टॉपिक है उसको मेंशन कर दीजिएगा और उसको अंडरलाइन ज़रूर करिए। ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल है। टॉपिक देख लीजिए, पहला है सेटलमेंट। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप जो है पूछते हैं, थ्रोबैक क्वेश्चंस, और उसके आंसर बच्चे देंगे वो यहाँ पर मेंशन होगा। स्टूडेंट का जो भी रिस्पांस होगा, कौन सा आप टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी बताना होगा, मटेरियल एड क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो पहला टॉपिक हमारा है सेटलमेंट, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, थर्ड टॉपिक हमारा है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज़ रूरल एरिया, व्हाट इज़ अर्बन एरिया, ये क्वेश्चंस हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन उसके बाद यहाँ पर है कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट होता क्या है वो एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद जो फिफ्थ हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और सिक्स जो हमारा टॉपिक होगा वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में भी चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप कम्युनिकेशन पर भी एक छोटा सा पैरा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पर आप उसको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से जो है एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन टेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर के एंड में एक्सप्लेनेशन के एंड में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज सेटलमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज यू कैन सी इन रूरल एरियाज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, जैसा कि आपको पता है ब्लैक चार्ट पेपर पे आपको ब्लैक बोर्ड वर्क शो करना होता है। इसके बाद है रिकैप क्वेश्चन, इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो ये कुछ रिकैप क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़ाए हैं उसके बेस पे, और पुपिल टीचर ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, होमवर्क आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।